नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपकी गणित की कक्षा में। जहां आप पढ़ रहे थे अवकलन, अवकलन के कुछ चैप्टर्स छूट गए थे इसलिए हम इनको दोबारा से, कुछ क्वेश्चंस कम हुए थे तो हम इन्हें दोबारा से करवा रहे हैं, जिसमें आपने 5.2, 5.3 पढ़ चुके हैं आप लोग और आज हम पढ़ेंगे 5.4। इसमें जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक क्वेश्चन बेस्ड है, तो आप देखिए कैसे ये क्वेश्चन होंगे। कुछ ये जो इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात बच्चों, हम आपको पता है जब अवकलन करते हैं तो आपने इसको y मानना है। अब ये क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन है, ये पहले भी आपने किया हुआ सीधा था कि हम दोनों पक्षों में अवकलन लेंगे और यहां पर कोई इसमें आपने कुछ नहीं सोचना है क्योंकि सीधे सीधे आपको डिवीजन रूल दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई डिवीजन रूल लगा दीजिए। क्या होता है, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन ओवर सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। बच्चे पे साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, बट आप इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बच्चों ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, इन फॉर्मुलाज को नोट कर लीजिए और बार बार इन्हें रिपीट कीजिए। और साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर को ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स अंदर आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है वाई बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें आपको देख के पहले सोचना पड़ेगा कि हमें किस चीज का फॉर्मूला आता है। आपको साइन इनवर्स एक्स का आता है बट ये तो ई की पावर में है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इस पूरे को टी मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर टी, उसका आपको फॉर्मूला आता है। तो आप ऐसा ही करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को मैं टी मान लूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर टी। अब मैं इसे अवकलित करती हूँ एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में, तो डी बाई डी ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी। फिर से बच्चों आपको पुराने जो हमने लेक्चर्स दिए थे उन पे आपको अगर पढ़े तो याद आएगा, ये एक्स है ये टी है, ऐसा तो नहीं था, तो ये जो है उसी के सापेक्ष में इसे अवकलित करूंगी तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी। बच्चों ये मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है तो इसे हटाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, देखिए हट गया ना, पर ऑलरेडी यहां क्या था, dx था, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा पर हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया। तो e की पावर t का e की पावर t d बाय डी एक्स, टी की जगह पे क्या रखेंगे आप, साइन इनवर्स x, t की जगह पर आ जाएगा इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बच्चों ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहां पर को आपको अब मेरे ख्याल से पहले उसे करके ये बहुत आसान लगने लगा होगा, एक्स क्यूब को आप टी मानेंगे, ये हो जाएगा ई की पावर टी, दोनों पक्षों में आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी। बच्चों आप इनको ये शुरुआत के क्वेश्चन है, इनको बार बार इसी मेथड से कीजिए ताकि बड़े क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करे। डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टी का मान कितना था, एक्स क्यूब। बच्चों यहां पर को लगाएंगे आप एक्स की पावर एन, क्या फॉर्मूला था, एन एक्स एन माइनस वन, तो यहां पे मैं टी की वैल्यू रख देती हूँ, ये साथ में थ्री एक्स स्क्वायर, ये थ्री आप बाहर ले सकते हैं तो ये आंसर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। तो बच्चों अब इसका फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी आप वाई मानेंगे, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस। बच्चों अब इसको देखिए आपको किसका फॉर्मूला आता है, ये पूरा टी मानेंगे, आपको साइन टी का फॉर्मूला आता है तो इस पूरे को हम टी मानेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा टी बराबर टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये बन जाए और एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पे डी वाई बाय डी एक्स साइन सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। बच्चों फिर वही चीज डी बाई डी टी। बच्चों अब देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से मैंने पुराने क्वेश्चंस किए तो ये बहुत लंबा जाएगा और आगे ऐसे हमारे एक्सरसाइज में ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं जहां पर को आपके पास समय आपको बचा के अपने क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो यहां पर को मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ, यहां पर को आप क्या कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, आपने क्या कहा था साइन टी मान लिया था, साइन टी का क्या होता है, अगर इसको मैं क्वेश्चन में लिख लेती हूँ आपके बताती हूँ कि साइन टी, देखिए साइन टी का कॉस टी है ना, कॉस टी, टी क्या था
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स. बच्चों अब मुझे उसका जो मैंने जिसको t माना था उसका करना है, यानी कि d by dx of tan इनवर्स e की पावर. मैं पूरा स्टेप नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट चल रही हूँ. तो देखिए इससे आपका समय बचेगा. cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसका क्या, अब देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता आपको, तो 1/1 + x² e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना. तो आप इसको ये लिख सकते हैं साथ में. अब d बाय dx ऑफ ये लास्ट, ये चीज d बाय dx ऑफ ये क्या देगा आपको, ये देगा, यानी कि मुझे क्या मिला, माइनस cos या e की पावर माइनस एक्स ले लीजिए, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1 + e की पावर -2x. अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आपने इसको भी y log cos into e की पावर x, आप इसको x के सापेक्ष क्या लिख सकते हैं, d by dx. अब देखिए फिर से सोचेंगे, ये इसको t मानेंगे, ये जाएगा log t, तो d by dx log t. बच्चों मैंने आपको फिर से कहा था log t 1/t, तो देखिए 1/t, t किसको माना था मैंने, cos into e की पावर x को, तो ये हो जाएगा cos e की पावर x. तो आगे d by dx of cos into e की पावर x क्या आ जाएगा, 1/cos e की पावर x, cos x का sin x माइनस cos x का फॉर्मूला माइनस sin x. अब d by dx of e की पावर x, e की पावर x, यानी कि आंसर आ गया माइनस sin e की पावर x इंटू, या ये इस e की पावर x को आप आगे भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दोनों e की पावर x. तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलों को बार बार लर्न कीजिए ताकि ये फॉर्म क्वेश्चन आपके लिए ईजी बनाए.